तहसीलदार एसडीएम साहब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान यानी डीसी शोपियान को हमने आगाह किया था, मगर आप लोग टस से मस नहीं हुए जनाब। आज ये पुल जो है पानी में नहा रहा है, आप लाइव विजुअल्स में देख रहे हैं, ये पानी में नहा रहा है। आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपकी नाकामियों की वजह से ये पुल गिर गया है। आपने लाखों और करोड़ों जिंदगी को जोखिम में डाल दिया, सफर में डाल दिया, मगर आपकी नाकामी, अगर आपने सही तरीके से इस पर ध्यान दिया होता शायद आज यहाँ के लोगों को ये दिन देखने नहीं पड़ते। लाखों और करोड़ों जिंदगी को आपने मुसीबत में डाल दिया। अब यह पुल कब बनेगा ये देखने वाली बात होगी, अब यह पुल कब बनेगा ये सोचने वाली बात होगी। अब यह पुल कब बनेगा, जब हमारा खून पसीना सब कुछ हम देंगे तब यह पुल फिर से बनेगा, चलने फिरने के काबिल बनेगा। आपने सरकारी पैसे को डस्टबिन में डाल दिया, आपने सरकारी खजाने को लूट लिया। आपकी लूट और खसूट की वजह से आज ये दिन यहाँ के आवाम को देखने पड़ रहे हैं जनाब। टाइम एंड आज देखने वाले सभी नाज़रीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, 5 दिन पहले हमने इस पुल पे स्टोरी की थी, कोशिश की थी, उस स्टोरी में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की इस पुल को बचाने की, मगर बदकिस्मती की वजह से तकबर और घुमंड की आड़ में चूर चूर होने वाले अफसरान टस से मस नहीं हुए। शायद उन्होंने स्टोरी देखी भी मगर स्टोरी पर ध्यान नहीं दिया। आज इस पुल की वो स्टोरी बन गई, शायद अब ये खड़ा नहीं हो सकता, लाखों और करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ये हमने वो स्टोरी, लाखों और करोड़ों जिंदगियों को आपने मुसीबत में डाल दिया। अब ये पुल कब बनेगा ये देखने वाली बात होगी, अब ये पुल कब बनेगा ये सोचने वाली बात होगी। अब ये पुल कब बनेगा, जब हमारा खून पसीना सब कुछ हम देंगे तब ये पुल फिर से बनेगा, चलने फिरने के काबिल बनेगा। आपने सरकारी पैसे को डस्टबिन में डाल दिया, आपने सरकारी खजाने को लूट लिया। आपकी लूट और खसूट की वजह से आज ये दिन यहाँ के आवाम को देखने पड़ रहे हैं, लाखों और करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ये हमने आप तक भी पहुँचाया था, मगर आज आप देख रहे हैं बिल्कुल विजुअल्स में, ये वही पुल है जिस जहाँ पे हम आज से 5 दिन पहले खड़ा थे, जहाँ से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था कि जनाब ये पुल जो है खतरे में है, इलीगल तरीके से इसके नीचे रेत और बाजरी निकाली गई, मगर तकबर और घुमंड के आड़ में चूर चूर होने वाली एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी तरह ध्यान नहीं दिया। आज ये सड़क, आज ये पुल जो है पानी के साथ बह रहा है। ठेकेदारों ने रेत और बाजरी का ठेका लिया था, आज पानी ने इसका ठेका लिया, पानी ने अपने साथ लिया, और मुसीबत की आड़ में, मुसीबत के उस दलदले में यहाँ के लोगों को फंसा दिया। आम लोग सफ़र हो रहे हैं, बुजुर्ग सफ़र हो रहे, बीमारों को अब 5 किलोमीटर और निकालने पड़ेंगे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैनापुरा तक पहुँचने के लिए। अब इसी के साथ आपसे लेता हूँ इजाज़त, खुदा हाफिज़।